हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्रो पाठशाला। मैं मायला खान आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ। आज हम बात करने वाले हैं हाल ही में बनी हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के बारे में। आज इस वीडियो में हम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के जीवन के बारे में, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बारे में चर्चा करेंगे। बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आने वाले समय में जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होंगे उसमें कहीं ना कहीं इनके बारे में जरूर पूछा जाएगा। शुरू करते हैं अपना टॉपिक। हमारा टॉपिक है द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू एक आदिवासी महिला हैं जिन्होंने हाल ही में यानी 21 जुलाई 2022 को उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को हराने के साथ भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति बनकर इतिहास रच दिया। द्रौपदी मुर्मू ने देश के 15वें राष्ट्रपति बनने के लिए निर्वाचन मंडल सहित सांसदों और विधायकों के 64% से अधिक वोट हासिल किए हैं। हम आपको बता दें, इनका जन्म 20 जून 1958 ऊपर बेड़ा मयूरभंज उड़ीसा भारत में हुआ था। द्रौपदी मुर्मू एक 64 साल की महिला हैं। भारत इतिहास में अभी तक इतनी कम उम्र में किसी ने राष्ट्रपति का पद हासिल नहीं किया था, जिस वजह से इनको भारत का सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति का खिताब हासिल हुआ है। भारत इतिहास में ये पहली महिला है जिन्हें आदिवासी समुदाय से भारत का राष्ट्रपति चुना गया। ये भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। पहली महिला राष्ट्रपति जिनका नाम श्रीमती प्रतिभा पाटिल था। द्रौपदी मुर्मू की शादी मिस्टर श्यामाचरण मुर्मू से हुई थी जो पेशे से एक बैंकर थे। 2014 में इनकी मृत्यु हो गई। बताया जाता है द्रौपदी मुर्मू के 3 बच्चे थे, 2 बेटे और 1 बेटी। 2 बेटे जिनकी मृत्यु हो और बेटी एक पेशे से बैंकर हैं। अब हम बात करते हैं मुर्मू जी के प्रोफेशनल लाइफ के बारे में। हम आपको बता दें, पॉलिटिक्स में आने से पहले वो एक टीचर थीं जिन्होंने श्री अरबिंदो इंटीग्रल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट रायरंगपुर में एज असिस्टेंट प्रोफेसर वर्क किया और इरिगेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा में जूनियर असिस्टेंट के रूप में कार्य किया। 1997 में द्रौपदी मुर्मू ने बीजेपी को ज्वाइन किया और साथ ही 1997 में रायरंगपुर नगर पंचायत की पार्षद चुनी गई और भाजपा एसटी मोर्चे के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। सन 2000 से 2004 तक एमएलए रही, साथ ही डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कॉमर्स के मिनिस्टर भी रही। सन 2002 में डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज में मिनिस्टर के रूप में कार्य किया। 2002 से 2004 तक एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में एज अ मिनिस्टर वर्क किया। 2002 से 2009 में नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर एसटी मोर्चा बीजेपी संभाला। सन 2004 से 2009 तक उनको मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बनाया गया। 2006 से 2009 तक एसटी मोर्चा बीजेपी में एज अ स्टेट प्रेसिडेंट वर्क किया। सन 2007 में इनको बेस्ट एमएलए के रूप में नीलकंठ अवार्ड से सम्मानित किया गया। सन 2010 में इन्हें मयूरभंज वेस्ट का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाया गया। सन 2013 से 15 तक एसटी मोर्चा बीजेपी में नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर बन के रही। 2015 में इन्होंने झारखंड के राज्यपाल के रूप में शपथ ली। उस समय यह झारखंड की पहली महिला राज्यपाल थी। 6 साल तक इन्होंने झारखंड में राज्यपाल का कार्यकाल संभाला। सन 2022 18 जुलाई 2022 को प्रेसिडेंट इलेक्शन हुए जिसकी उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू, विपक्ष उम्मीदवार यशवंत सिन्हा थे। इन्होंने विपक्ष उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को हराने के साथ साथ भारत पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनकर इतिहास रचा। हम आपको बता दें, हमारे 10th प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई 2022 को खत्म होगा। उसके बाद 25 जुलाई 2022 को श्रीमती द्रौपदी मुर्मू भारत के प्रेसिडेंट होने की शपथ लेंगी। श्री द्रौपदी मुर्मू हमारे भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनेंगी। इससे पहले हमारे जितने भी पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं उनकी एक लिस्ट तैयार की गई है। देश आज़ाद होने के बाद यानी 1947 के बाद हमारे पहले प्रेसिडेंट थे मिस्टर राजेंद्र प्रसाद, जिन्होंने अपना कार्यकाल 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक संभाला। नंबर 2 पर है हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्ण, जिनका कार्यकाल 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक था। 3rd नंबर पर है हमारे जाकिर हुसैन, जिनका कार्यकाल 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक था। नंबर 4 पर है हमारे वीवी गिरी, जिनका कार्यकाल 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 तक था। नंबर 5 पर है हमारे फखरुद्दीन अली अहमद, जिनका कार्यकाल 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक था। नंबर 6 पर है हमारे नीलम संजीवा रेड्डी, जिनका कार्यकाल 25 जुलाई 1977 टू 25 जुलाई 1982 तक था। नंबर 7 है हमारा जेल सिंह,
जिनका कार्यकाल 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987 तक था। नंबर 8 है हमारे रामास्वामी वेंकटरमण, जिनका कार्यकाल 25 जुलाई 1987 से लेकर 25 जुलाई 1992 तक था। नंबर 9 है हमारा शंकर दयाल शर्मा, जिनका कार्यकाल 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997 तक था। नंबर 10 के आर नारायण, जिनका कार्यकाल 25 जुलाई 1997 से लेकर 25 जुलाई 2002 तक था। नंबर 11 है हमारे एपीजे अब्दुल कलाम, जिनका कार्यकाल 25 जुलाई 2002 से लेकर 25 जुलाई 2007 तक था। नंबर 12 है हमारा प्रतिभा पाटिल, ये भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी, जिनका कार्यकाल 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक था। नंबर 13 है हमारा प्रणब मुखर्जी, जिनका कार्यकाल 25 जुलाई 2012 से लेकर 25 जुलाई 2017 तक था। 14 प्रेसिडेंट है हमारे रामनाथ कोविंद, जिनका कार्यकाल 25 जुलाई 2017 से शुरू होकर 25 जुलाई 2022 को समाप्त होगा। फिर 25 जुलाई 22 को हमारी 15वीं राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू भारत की नई राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगी। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। ग्रो पाठशाला ऑलवेज फॉर यू, ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।